Welcome to KK Tripathi's English Learning Program. It's very effective and easy to learn. Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon. Hello friends, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन. इसकी पहली वीडियो में हमने पढ़ा था नाउन, आज पढ़ेंगे प्रोनाउन. जैसा कि हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं. प्रोनाउन बेसिकली 10 टाइप्स के होते हैं, बट हम उनमें से पहला प्रोनाउन पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन. और पर्सनल प्रोनाउंस कितने तरीके के होते हैं हम ये पढ़ने वाले हैं. ओके, तो वीडियो लास्ट तक देखिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है रिलेटिंग टू पर्संस. जैसे इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, तो इसका मतलब हुआ रिलेटिंग टू पर्संस, यानी कि पर्संस से रिलेट करने वाला, पर्सन को रिफर करने वाला, पर्सन से संबंधित, उसको हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन कितने तरीके के होते हैं ये देखते हैं. पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस कहे जाते हैं. फिर से एक बार देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर पर्सनल प्रोनाउंस. ओके, अब ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं आपके, बट इन पर्सनल प्रोनाउंस की तीन कैटेगरी है. तीन कैटेगरी, बहुत सिंपल है इसको समझना. कई बार ये हमारे सामने आते हैं, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसमें कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है. हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन की वो कौन सी तीन कैटेगरी है. पर्सनल प्रोनाउन की तीन कैटेगरी है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. बिल्कुल सही सुना आपने, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब हम यहां पर यह जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकेंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है. देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके आई एंड वी. जैसा कि आपको पता है, आई, आई मीन्स मैं, वी, वी मीन्स हम. तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी. ओके, अब यहां पर देखते हैं दो वर्ड लिखे हुए हैं, आई, वी. आई, आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर आई और आई का प्लूरल होगा वी. यानी कि ये साइड में जो लिखे हुए हैं इस तरफ, ये सिंगुलर हैं और इस तरफ जो लिखे हुए हैं दे आर प्लूरल. ओके, देखते हैं फिर से एक बार, फर्स्ट पर्सन आई और इसका प्लूरल है वी. सेकेंड पर्सन देखते हैं, सेकेंड पर्सन यू. यहां पर एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, यू, यू सिंगुलर भी होता है और यू अपने आप में प्लूरल भी है. ओके, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट. ही, सी, इट एंड दे, यहां ही, सी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है. तो हमने यहां पर पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब हम यहां पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, कैसे कोई फर्स्ट पर्सन हो जाता है, कैसे कोई सेकेंड पर्सन हो जाता है, कैसे कोई थर्ड पर्सन हो जाता है. यहां देखते हैं हम, ओके, सो द स्पीकर यानी बोलने वाला, आपसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बोलने वाला स्पीकर, स्पीकर हरदम फर्स्ट पर्सन होगा, स्पीकर हरदम फर्स्ट पर्सन होगा. ओके, जिससे बोला जाता है, जिससे बोला जाता है उसको हम नेचुरली क्या बोलते हैं, तुम, आप, यू. अगर इसको हम ऐसे समझें, सुनने वाला, सुनने वाले को हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन.
जिसको हम बोलते हैं उसको तुम बोलेंगे यू, इसीलिए यू हरदम सेकेंड पर्सन होता है, लिसनर सेकेंड पर्सन होता है। अब मैं आपको एक बात यहां पर और क्लियर कर देना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है कि बोलने वाला एक हो और सुनने वाले सैकड़ों हो। स्टेज पर जब कोई टीचर बोलता है या प्रिंसिपल हमें सुबह लेक्चर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, आई बोलने वाला सिंगुलर, बट सुनने वाले बहुत ढेर सारे हैं, हंड्रेड, मोर देन हंड्रेड, थाउजेंड। तो यू इसीलिए यहां पर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ओके, थर्ड पर्सन में वो लोग आते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, ही सी इट, जब हम बात करते हैं उसके बारे में, वो ऐसा था, वो आज लेट हो, ये आपका थर्ड पर्सन में आता है। ओके, यहां पर लिखा हुआ है थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, वीडियो वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड प्लीज अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपको किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज वो भी कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ये एक पूरी वीडियो सीरीज है जो आपको रेगुलर मिलती रहेगी, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।